numerical number 10 solve karte hain, chapter number 1 hai, numerical solve kar rahe hain hum log. To iske andar jo data hai, statement hum dekhte hain ki data iske according hum logon ne find karna hai ki kya cheez isme di hui hai. To statement mein kya diya hua hai, a chocolate wrapper is 6.7 cm long and 5.4 cm wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. यानी एक चॉकलेट रैपर है और उसकी जो लंबाई है वो 6.7 सेंटीमीटर है और जो उसकी चौड़ाई है वो 5.4 सेंटीमीटर है. हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड करना है और ये हमने जो इसके नुमाया हिस्सों की तादाद के हिसाब से इसका एरिया फाइंड करना है. तो हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो क्या है. तो हमें डाटा में हम लोग देखते हैं कि जो लेंथ है उसको मैं एल से नोट कर देता हूँ. ये लेंथ कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है हमें 6.7 सेंटीमीटर और फिर विड्थ दी हुई है यानी चौड़ाई जो है, फर्स्ट गल उसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ, वो हमें दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया. एरिया को हमें ए से डिनोट कर देता हूँ और ये फाइंड है. नेक्स्ट स्टेप हमारा फार्मूला है. एरिया का जो फार्मूला होता है हमें पता है कि वो लंबाई जरा चौड़ाई यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमें कैलकुलेशन फाइंड करने, कैलकुलेशन निकालते हैं हम लोग, क्या है इसकी कैलकुलेशन. एरिया जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर है और ऐसे जो विड्थ है वो 5.4 सेंटीमीटर है. अब हम लोगों ने ये 2 सेंटीमीटर तो आ गया साथ इसके. अब हम लोग ये देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना है हमने कैलकुलेटर से, तो जो जवाब आएगा उसको फिर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमने लेना है. तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जवाब बनता है 36.18. यानी इसको जब मैं जरब दे देता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बनता है एरिया का 36.18 बनता है. दूसरी बात जो अहम है वो ये कि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है. अगर इन दोनों को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाए, यानी स्क्वेयर सेंटीमीटर इसके साथ में लगाता हूँ, स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब आ गई बात जो नुमाया हिस्सों की या सिग्निफिकेंट फिगर की. तो इसकी जो बड़ी खास रीजन है जो आपने बड़े अहम तरीके से समझनी है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसमें जो नुमाया हिस्सों की तादाद है वो हम लोग जानते हैं कि कितनी है, वो 2 है और यहाँ पे भी नुमाया हिस्सों की तादाद 2 है. लंबाई और चौड़ाई जो है ना दोनों में नुमाया हिस्सों की तादाद यानी सिग्निफिकेंट फिगर 2-2 दिए हुए, तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आने चाहिए, बाकियों का हमने राउंड करना है. तो राउंड करने का भी हमने जो रूल्स पढ़े हुए हैं उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके आंसर को राउंड कर देता हूँ. यानी जो अगर आखिर पे आपका 5 से बड़ा है तो आप उसके साथ वाले को एक अदर बढ़ा देते हो. मैंने रखने सिर्फ 2 ही हैं क्योंकि मेरे पास सवाल में 2 दिए हुए हैं, तो मैंने आखिर को बढ़ाया उसके साथ वाले लेफ्ट वाले को 1. अगर रूल ये है कि अगर आपके पास जो 5 से बड़ा कोई नंबर है लास्ट पे आ रहा है तो आप उसके लेफ्ट वाले को एक अदर बढ़ा दें. अगर मैंने उसको भी राउंड करना है फिर अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके साथ वाले को बढ़ा दें, अगर वो 5 से बड़ा नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें. तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 36, ये 5 से बड़ा था, इसको मैंने बढ़ाया 1 तो ये 2 बन गया. अब ये 2 5 से छोटा है इसको कैसे छोड़ देता हूँ, ये 36 जो है ना वो स्क्वेयर सेंटीमीटर मेरा एरिया, ये मेरे पास आंसर है. ये उस चॉकलेट रेपर जो है रैपर है उसका एरिया हमने निकाल लिया, ये अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर है. तो एक दफ़ा मैं इसको बताता हूँ आपको, लंबाई जो है लेंथ वो हमें दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है उसकी 5.4 सेंटीमीटर, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है. यानी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है दोनों में ये 2 है. ये सिर्फ समझाने के लिए हम लोगों ने लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं पेपर में. एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है और फार्मूला हमने एरिया का लगा दिया लेंथ इंटू विड्थ. कैलकुलेशन में क्या करते हैं, लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 5.4 सेंटीमीटर है, और एरिया निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो मेरे पास बचा वो 36.18 है. ये जो 18 है ये हमारे पास रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है. 2 हमने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, बाकी को हमने राउंड कर देना है. तो अप टू सिग्निफिकेंट फिगर ही हमने किया ये सारा, तो इसके साथ हमने लिख दिया अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर.
या आपको रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि इतने ही हमें चाहिए थे क्योंकि क्वेश्चन में इतने दिए हुए थे, और वजह भी हम लोग साथ में बता सकते हैं कि वजह ये है कि क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर दो है और जो विड्थ है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर दो है, तो यही हमारा आंसर है।